दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और इसमें अनगिनत तारे मौजूद हैं। तारों को ब्रह्मांड का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है। आज इन्हीं की वजह से हमें भारी एलिमेंट्स, नेबुला, गैलेक्सीज और ब्लैक होल जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। इन्हीं तारों का चक्कर लगाते हैं ग्रह। प्लैनेट्स हमें इंसानों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है और हम खुद भी एक प्लेनेट पर ही रहते हैं जिसका नाम पृथ्वी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी को ब्रह्मांड का खोजा गया अभी तक का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं ज्यादातर ग्रहों का वातावरण किसी भी तरीके से जीवन को सपोर्ट करने लायक नहीं है। अगर आप उनमें से किसी भी ग्रह पर चले जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने ही सौर मंडल में देख सकते हैं। हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से शुक्र ग्रह के अंदर चले जाते हैं तो एक सेकंड के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो सीधी सी बात है कि आकाश गंगा में मौजूद हर ग्रह ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह भी ढूंढे हैं जो काफी हद तक हमारे पृथ्वी जैसी है और जिन पर जीवन मौजूद होने के बाद हाई चांस है। ऐसा ही एक ग्रह का नाम है केपलर 22b और आज के इस वीडियो में इसी ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, केपलर 22b एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट या एक्सोप्लेनेट, जितने भी ग्रह मौजूद होते हैं उन सभी को एक्सोप्लेनेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सोप्लेनेट्स सब का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा न हो और सूर्य का चक्कर न लगाता हो। केपलर 22b को केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया था और ये हमारी पृथ्वी से करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस ग्रह तक प्रकाश की गति से भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 600 वर्षों का समय लगेगा। 2011 में अनाउंस किए गए प्लैनेट्स का डायोमीटर करीब हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए पता लगाया कि इस ग्रह का तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। दिसंबर 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने पब्लिक में अनाउंस किया था कि उन्होंने एक ऐसा ग्रह मिला है जो काफी हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। इस ग्रह की डिस्कवरी के अलावा उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी तक 1000 एक्सोप्लेनेट्स को ढूंढ चुके हैं। केपलर 22b ग्रह वैज्ञानिकों के लिए काफी स्पेशल है। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों को खोजने में लगे रहते हैं जो पृथ्वी के जैसे होते हैं। वो चाहते हैं किसी दूसरे ग्रह पर जीवन भी देखने को मिले, क्योंकि हमारा इस ब्रह्मांड में अकेला होना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं लगता है। एक रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 5000 ऐसे ग्रह होंगे जिन पर निश्चित रूप से जीवन मौजूद होगा। अब अरबों ग्रहों में से हम 5000 ग्रहों को कभी ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है कि हम एक न एक दिन ऐसा ग्रह जरूर ढूंढ लेंगे जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होगा और जिस पर जीवन फल फूल रहा होगा। केपलर 22 भी अपने तारे का एक चक्कर 290 दिनों में लगा लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिनों का समय लगता है। ये अंतर मात्र 75 दिनों का ही है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 36 गुना ज्यादा है। वहीं इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले मात्र 1.8 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो आपको पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा डिफरेंट महसूस नहीं होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 36 गुना ज्यादा है तो आखिर इसकी ग्रेविटी इतनी कम कैसे है। इसका सीधा सा आंसर है रेडियस। न्यूटन द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटी ये बताता है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगता है। वहीं जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है। केपलर 22b का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका डायमीटर भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है, जिस वजह से उसकी ओवरऑल ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के बराबर ही रह जाती है। किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं उसके लिए कुछ कंडीशन भी होते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है गोल्डी लॉक जोन की। तारे के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां पर उसके द्वारा रिलीज की गई रेडिएशन एक परफेक्ट अमाउंट में पड़ती है।
उस एरिया में तापमान बिल्कुल अनुकूल होता है और वहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस मौजूद होने के पूरे चांस होते हैं। तारे की इस एरिया को गोल्डिलॉक्स जोन या फिर आसान भाषा में हैबिटेबल जोन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक ग्रह की हैबिटेबल होने के सबसे हाई चांस होते हैं। हैबिटेबल होने का मतलब ये है कि ग्रह में ऐसी कंडीशन मौजूद होना जिसमें जीवन की शुरुआत हो पाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पूरे ब्रह्मांड में हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सौर मंडल में देखने को मिलता है। हमारा खुद का ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में हमारी पृथ्वी मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ पर परफेक्ट तापमान और सूर्य की रोशनी देखने को मिलती है। अगर हम एक ग्रह को आगे पीछे करते हैं तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर किसी भी तरीके का जीवन जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि जलकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। वहीं अगर हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि हम ठंड की वजह से मारे जाएंगे। पृथ्वी पर तापमान और रेडिएशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है जिस वजह से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 22 भी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह का सतह पथरीली होगी और यहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद होने के भी बहुत हाई चांस है। इस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से भरा हुआ है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम से मिलकर बना होता है। इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में मौजूद होने का मतलब है कि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के भी बहुत हाई चांस हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके वायुमंडल पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वायुमंडल पर रिसर्च करने से उन्हें ये पता चल सकता है कि ये ग्रह जीवन को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रह के पास कोई चांद है या नहीं। इसी ग्रह के पास चांद का मौजूद होना एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। हमारी पृथ्वी का चांद भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कल को अचानक से चांद गायब हो गया तो हमारी पृथ्वी से ज्यादातर जीवन समाप्त हो जाएगा। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा है, बस उसका साइज हमारे सूरज के मुकाबले 2% कम है। इसके अलावा उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले मात्र 3% कम है। कम द्रव्यमान होने का मतलब है कि वो हमारे सूर्य के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है वो उतना ज्यादा नष्ट हो जाता है। तारे की विशाल होने का मतलब है कि वह हर सेकंड ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो तेजी से अपने आप को खत्म करता जा रहा है और उसका उम्र छोटे तारों के मुकाबले कई गुना कम हो जाती है। हमारा सूरज पिछले 4.6 अरब सालों से चमक रहा है और अगले 5 अरब सालों तक ये ऐसे ही चमकता रहेगा। केपलर 22 बी के तारे और उसके बीच हमारी पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले 15% कम डिस्टेंस है। आसान शब्दों में कहें तो केपलर 22 भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे से 15% दूरी नजदीक मौजूद है। अब क्योंकि वो तारा हमारे सूर्य के मुकाबले छोटा है इसलिए सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं और केपलर 22 भी हैबिटेबल जोन में ही मौजूद रहता है। कोई भी ग्रह पृथ्वी से कितना भी ज्यादा मेल खाता है ये जानने के लिए वैज्ञानिक एक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस इंडेक्स को कहा जाता है अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी कि ESI। इस इंडेक्स में 0 से 1 के बीच वैल्यूज होती है। 0 का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से जरा सा भी मेल ना खाता हो और 1 का मतलब होता है ऐसा ग्रह जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर 22 भी का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.71% है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी से 71% मेल खाता है। ये ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ढूंढे गए ग्रहों की टॉप लिस्ट में आता है। वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ऐसे ग्रहों को खोजने के लिए वैज्ञानिक ट्रांजिट मेथड नाम के एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वैज्ञानिक तारे की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें होने वाले डिफरेंट को नोटिस करते हैं। अगर उस तारे के आसपास कोई ग्रह मौजूद होगा तो कभी न कभी उसके सामने जरूर गुजरेगा। सामने से गुजरने की नजर से तारे की लाइट में हल्का सा चेंज आएगा और उस चेंज को ही नोटिस करके वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि उस तारे के आसपास कुछ तो मौजूद है। बाद में थोड़ी भी डीप रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि वहाँ कोई ग्रह है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है। दोस्तों केपलर 22 भी ऐसे ही बहुत अच्छे ग्रह वैज्ञानिक ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। इनमें से कुछ ग्रह का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.9 से भी ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है कि केपलर 22 भी ग्रह पर जीवन मौजूद होगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।